इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया का सेकेंड ओडीआई खत्म हो चुका है और मैं लेके आ चुका हूँ हाइलाइट्स की वीडियो, यानी कि बताने वाला हूँ कि इस मैच में कौन सी टीम जीती, कौन से प्लेयर ने कितना रन स्कोर किया, पूरा डिटेल में मैं आपको रिव्यू करने वाला हूँ। तो गाइस ये होने वाला बहुत इंटरेस्टिंग, तो वीडियो को कर दीजिए अभी से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों बिना देरी किए एक और नई वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों बात करते हैं यहाँ पे सबसे पहले टॉस की। तो गाइस यहाँ पे टॉस ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी थी और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीत के बल्लेबाजी का फैसला किया था उसी की तरह, और स्टेडियम वही सिडनी क्रिकेट ग्राउंड था। और दोस्तों यहाँ पे बात किया है तो ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं ओपनिंग में वार्नर ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, 83 रन की पारी खेली, 77 गेंदों पर 83 रन लगाए जिसमें 7 चौके और 3 छक्के शामिल थे। और यहाँ पर एरन फिंच ने भी 60 रन की पारी खेली 69 गेंदों पे जिसमें 6 चौके 1 छक्के शामिल थे। और यहाँ पर दोस्तों स्टीव स्मिथ ने फिर से बहुत ऐसा पारी खेली, शतकीय पारी खेली, 104 रन लगाए मात्र 64 गेंदों में जिसमें 14 चौके और 2 छक्के शामिल थे। दोस्तों यहाँ पे दोस्तों आप देख सकते हैं लाबू चंगे ने 70 रन की पारी खेली 61 गेंदों में जिसमें 5 चौके शामिल थे। और मैक्सवेल ने 63 रन की पारी खेली मात्र 29 गेंदों में जिसमें 4 चौके और 4 छक्के शामिल थे। और 200 की स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी की, मैक्सवेल ने 4 छक्के लगाए 29 गेंदों पे। ऐसा परफॉर्मेंस तो आईपीएल में नहीं दिखा इनका, लेकिन अपने नेशन के लिए बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं अब बॉलिंग लाइनअप की। यहाँ पे टीम इंडिया ने टोटल 7 गेंदबाजों से बॉलिंग करवाई, 7 नहीं 6 ही हो गए क्योंकि 7वें गेंदबाज मयंक अग्रवाल थे जिन्होंने एक ही ओवर किया, 10 रन पड़े। तो यानी कि अगर देखा तो टोटल 6 गेंदबाजी से उन्होंने बॉलिंग कराया। तो यहाँ पर जो पहला गेंदबाज इसमें आते मोहम्मद शमी जिन्होंने 9 ओवर में 73 रन दिए, 1 विकेट चटकाए। जसप्रीत बुमराह ने पूरे 10 ओवर किए जिसमें से 1 मेडन ओवर रहा जिसमें 79 रन की पारी खेली, 1 विकेट इनको भी मिला। फिर दोस्तों यहाँ पे नवदीप सैनी ने 7 ओवर किए, 70 रन दिए, विकेट 1 भी नहीं मिला। और युजवेंद्र चहल ने 9 ओवर में 71 रन दिए, बहुत महंगे साबित हुए। दोस्तों यहाँ पे रविंद्र जडेजा ने पिछले मैच की तरह फिर से इस मैच में 60 रन दिए, विकेट इनको 1 भी नहीं मिला। और मयंक अग्रवाल ने 1 ओवर किया जिसमें 10 रन पड़े। और हार्दिक पंड्या ने 4 ओवर में 24 रन दिए, 1 विकेट चटकाया और 6 की इकॉनमी इनकी थी। तो दोस्तों बात करते हैं स्कोर की। यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया ने 50 ओवर में 389 रन स्कोर किए 4 विकेटों के नुकसान पे, और पिछले मैच में 360 के करीब बनाया था और इस मैच में 389 रन स्कोर किया जो बहुत ही अच्छी बात है। और 390 रन का टारगेट टीम इंडिया को मिल चुका है, अब देखते हैं इसे चेस कर पाती है कि नहीं। तो ऐसा बात करते हैं सेकेंड इनिंग्स की। तो यहाँ पे दोस्तों सेकेंड इनिंग्स में टीम इंडिया के ओपनर्स में मयंक अग्रवाल ने 28 रन की पारी खेली, 26 रनों पे 4 चौके शामिल थे। मयंक अग्रवाल भी छोटी पारी खेली और धवन भी छोटी पारी खेली, 30 रन की पारी खेली 23 गेंदों पे। इतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाए क्योंकि दोस्तों जोस हेजलवुड का आप जानते हो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया और 5 चौके धवन ने लगाया और 30 रन पे आउट हो गए। दोस्तों बात किया तीसरे प्लेयर की, यहाँ पे दोस्तों विराट कोहली ने बहुत ही अच्छा कप्तानी पारी खेली, 89 रन लगाए 87 गेंदों पे जिसमें 7 चौके और 2 छक्के शामिल थे। और दोस्तों बहुत ही अच्छा पारी विराट कोहली ने लगाया। और यहाँ पे दोस्तों देखा है तो श्रेयस अय्यर ने 38 रन की पारी खेली 36 गेंदों पे जिसमें से 5 चौके शामिल थे। दोस्तों यहाँ पे देखा जाए तो टीम इंडिया के सभी बैट्समैन ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, केएल राहुल ने भी हाफ सेंचुरी बहुत ही पारी खेली और हार्दिक पंडे ने भी अच्छी पारी खेली। और यहाँ पे दोस्तों मतलब कि इंडिया की गेंदबाजी अच्छी दिखी, लेकिन जहाँ पे कमी थी वो थी इंडिया की गेंदबाजी में क्योंकि इंडिया के गेंदबाजी बहुत ही महंगे साबित इस मैच में हुई। तो दोस्तों अब बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया की गेंदबाजी लाइनअप की। जैसे यहाँ पे हमेशा की तरह फिर से मिचेल स्टार्क पिछले मैच की तरह इस मैच में भी बहुत महंगे साबित हुए। और यहाँ पे दोस्तों देखा जाए तो जोस हेजलवुड बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखा है, इसमें भी विकेट चटकाए और इकोनॉमी रेट इनका 6 का था। पैट कमिंस ने भी बहुत अच्छा बॉलिंग किया, 1 विकेट भी चटकाया और साथ ही साथ 6 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की। और एडम जेम्पा ने भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया, विकेट इनको 1 भी नहीं मिला तभी भी इन्होंने 6 की इकोनॉमी के साथ गेंदबाजी की। और मार्कस हेनरिस ने 7 ओवर में बहुत सा परफॉर्मेंस दिखाया, विकेट चटका और साथ ही साथ 5 की इकोनॉमी रेट से गेंदबाजी की। और ग्लेन मैक्सवेल ने भी बहुत सा परफॉर्मेंस दिखाया, 3 ओवर में 23 रन दिए और इकोनॉमी रेट इनका 7.7 का था। तो गाइस यही रही ओवरऑल, मैंने आपको डिटेल में बता दिया कि किसने कितने रन स्कोर किए। अब बात करते हैं रिजल्ट की, यानी कि यह मैच कौन जीता है।
तो दोस्तों यहाँ पे ये मैच ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है। जी हाँ दोस्तों, यह मैच आसानी से ऑस्ट्रेलिया जीत गई। जो आखिरी के 7-8 ओवर थे जिसमें रन रेट बहुत ज़्यादा हाई चला गया था, और यही एक रीज़न बन चुका है कि इंडिया उसे चेस नहीं कर पा रही। जहाँ से रविंद्र जडेजा का विकेट गया वहाँ से तो मैच पलट गया, और फाइनली दोस्तों सेकेंड ओडीआई ऑस्ट्रेलिया जीत चुकी है, और इसी के साथ ये सीरीज ओडीआई सीरीज ऑस्ट्रेलिया अपने नाम कर चुका है। तो गाइस फिलहाल बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो थोड़ी भी अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आपको चैनल पे देखने को मिलते रहेगी। सो गाइस उम्मीद आपको वीडियो अच्छी लगेगी। मिलते हैं कौन इंटरेस्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, गुड बाय।